दंगे से पहले आम परिवार की तरह शादी के सपने संजोने वाली संजय नगर त्रिवेणी चौक निवासी लक्ष्मी मुछाल की शादी शुक्रवार को किसी नामी हस्ती की तरह पूरे धूमधाम से की गई। ऐसी शादी का शायद न तो लक्ष्मी ने न ही उसके परिवार ने सपना देखा था, जो प्रशासन की मदद से पूरा हुआ। यहाँ न केवल लक्ष्मी का परिवार बल्कि शासन प्रशासन घराती बना। प्रदेश के कृषि मंत्री खुद मामेरा लेकर पहुंचे और दुल्हन लक्ष्मी और दुल्हे दीपक को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बच्चन भाई को लक्ष्मी उस दिन जो पीड़ा बताई उसकी, तो उस पीड़ा को करने की जिम्मेदारी हमारी थी। पालक मंत्री के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, प्रभारी मंत्री होने के नाते मैंने कहा था बेटा चिंता मत कर। उसने ये कहा था मेरे माता पिता नहीं है, मेरे तीन मामा वो भी नहीं है, तो मेरा कौन भाई है, वो भी रोजगार संपत्ति घर पूरा लूटी। और हकीकत में उसके घर में कुछ नहीं बचा था, किराने का सामान था, दहेज का सामान था, हर चीज़ ले गए, कपड़े का लाभ कुछ बचा नहीं था। तो मेरे का हम करेंगे, मैं कहूँगा तुम्हारा बड़ा भाई, हम चिंता करेंगे, सरकार करेगी, मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील है, सबके मामा हम सब मिलकर करेंगे। और इसलिए जो हमने वादा किया था, उसे वचन दिया था, वो पूरा किया। कांग्रेस जी ऐसे थोड़ी के वचन दे और बाद में बदल जाओ, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जनता में हमारी विश्वास की है। हमने कहा था कि आज मेरा लेके आया, जैसे नानी भाई का मायरा कृष्ण भगवान ने भरा था, आज हम भी हमारी बहन नानी भाई लक्ष्मी भाई का मायरा भर के हमने आपको बहुत भाग्यशाली समझ रहे, सौभाग्यशाली और पूरे परिवार दे दिया। सीएम साहब भी आने वाले थे, उनने कहीं ना कहीं वो आकस्मिक ये चुनाव के कारण किसी कारण नहीं आ पाए, लेकिन वर्चुअल जुड़ेंगे। मैं आया हूँ, प्रतिनिधि हूँ ना उनके, मंत्रिमंडल के उनके मंत्री होंगे, मैं आया हूँ, सरकार और पूरा परिवार देखिए सैकड़ों की संख्या में सब लोग आए, और बिटिया को कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी, पूरी करेंगे, आगे तक करेंगे, सिर्फ आज नहीं जीवन भर वो हमारी बिटिया है, वो हमारी बहन है, उसको निभाएंगे। उसके ऊपर कांग्रेस का संदेश देना चाहते हैं, वो अपने कर्मों से वो तो देखो उनके बारे में क्या कहें, झूठ का पुलिंदा कांग्रेस, उन्हीं के पापों का परिणाम है ये, तुष्टिकरण की नीति और अपराधियों को संरक्षण दिए, जिसी के कारण ये इतने अपराधियों के घोंसले बढ़ हुए और इतने अपराध किए, लेकिन हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, उनको सजा दिलाएंगे, और जो भी क्षति हुई है खरगोन के नागरिकों की, उन क्षति की पूर्ति उनसे करवाएंगे, जो अपराधी जिनने क्षति आगजनी की, लूटपाट की, उनसे संपत्ति में से वसूल। आगामी पंचायत चुनाव जिसको लेकर 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, ओबीसी को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।